एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही लड़की को प्यार करते हैं। अरे सर छोड़िए ना प्यार प्यार की बातें, आप दारू पीजिए। खामोश जेठे साहब, अपनी जगह बैठो आप, बच्चे हो आप, अब बोलो आप। टीकू जी, ये जिस लड़की से प्यार करता है इसका कहना है कि उसको मुझसे ज्यादा प्यार करता है, और मेरा दावा है कि मैं उस लड़की को इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो फैसला कैसे होगा कि वो लड़की किसके साथ जानी चाहिए? पहले ये बताओ कि वो लड़की है कौन? ना, नाम कोई नहीं बताएगा। अरे सर, सच्चा इश्क तो इसी को कहते हैं कि महफिल में अपनी महबूबा का नाम ना उछाला जाए। अरे इसी को तो सच्चा इश्क कहते हैं, उसका उसका नाम बताने की क्या जरूरत है? आपने वो गाना नहीं सुना? वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। क्या बात है, क्या बात है सर, सर सर मैं वही बता रहा हूँ, अनिल कपूर ने पूरा गाना खत्म कर दिया, एक बार भी अपने मुंह से उस लड़की का नाम नहीं लिया। हाय डायरेक्टर, मेरा इश्क भी इसी लेवल का है। बरगरानी जी, आपके लिए आपका फेवरेट बहुत दूर से लाया, निकालना नहीं खाना है। क्या ये प्यार है? पवन जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या कर रहे हैं आप? अब ये नामुमकिन है पवन जी, प्लीज। कुछ नहीं सुनूंगा मैं, मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मेरा पैकअप कर दो, मुझे इंडिया वापस भेज दो। पवन जी अभी काम फिनिश नहीं हुआ है, मैं टीकू साहब को क्या जवाब दूंगा? मेरे करियर का सवाल है, प्लीज आप मानिए तो प्लीज। लेकिन मैं तमाचा खाने नहीं आऊं, मैं तमाचा मारो मुझे। आप ही की बात सुनके मैं कटहल लेके उनके कमरे में गया था। पवन जी मैंने तो बाबू भाई के कहने पर मोबाइल पर कटहल ऑर्डर कर दिया था, प्लीज आप समझिए बात को। अच्छा ये सब बाबू की चाल है, तुम चाहे तो ना मैं काम करूं? मेरा रोम रोम चाहता है आप काम मैं काम करूंगा। थैंक यू सो मच पवन जी, पर बाबू का पैकअप कर दो, बाबू को इंडिया वापस भेज दो, उसके साथ काम नहीं करूंगा मैं अपनी ट्यूनिंग का कैमरा इंडिया से बुलाऊंगा, उसके साथ काम करूंगा मैं। बाबू भी इसके बारे में ही सोच रहा होगा सीधी। पवन जी आप आराम से दारू पीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, ओके? आप रिलैक्स हो जाइए। अच्छा अब समझा मैं, तो ये पवन मास्टर की चाल थी, तभी तो मैं कहूं कि बरखा मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है। हाँ सर, मैंने तो उन्हीं के कहने पर फूलों का ऑर्डर दिया था ना, और आपने सुन लिया और आप चले गए बरखा रानी कमरे में फूल लेकर, और फिर तमाचा पड़ा, और सर इतना बुरा लगा जब मैंने सुना कि आप। ठीक है ठीक है, बस करो। तुझे याद रखूंगा पवन, ये पवन का पैकअप करो यार। सर मैं भी यही सोच रहा था कि इनका पैकअप कर देते हैं, झंझट खत्म करते हैं। लेकिन लेकिन क्या सर, मैंने बरखा रानी से इस बारे में डिस्कस किया था, गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़? बरखा रानी अपनी ट्यूनिंग का डांस डायरेक्टर बुलाना चाहती हैं, और मैंने सुना है कि वो उनका बहुत पुराना आशिक है। ओ। और आउटडोर का मामला है, आपका तो सारा खेल चौपट हो जाएगा ना, इससे तो पवन बेवकूफ क्या बुरा है, कम से कम आप उससे फाइट तो कर सकते हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस फाइट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। बरखा रानी आप पे ही बरसेगी फुल चांसेस, बाबू भाई काली जबान है, जो बोलता हूँ सच हो जाता है। सिडी सुनो, पवन का पैकअप मत करो यार। सर वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा किया, बरखा रानी की ट्यूनिंग का कैमरामैन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल हाँ सर, मैंने सुना है 16 साल पुराना आशिक है बरखा रानी का, उसके आगे आपकी दाल कहाँ गली। और बाबू भाई बेवकूफ है, लेकिन कम से कम आप उससे फाइट तो कर सकते हैं। यू आर राइट है सर, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, इस फाइट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अच्छा बरखा रानी आप पे ही बरसेंगी फुल चांसेस हैं। वेरी गुड सर, काली जबान है, जो कहता हूँ सच हो जाता है। अच्छा सीधी हाँ, बाबू का पैकअप मत करो सर। रॉकी स्पीकिंग, जाहिद मेरे पास है। तुम कौन हो? फ्रेंड, तभी तो तुम्हें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मुझे जाहिद से मिलना है। तुम मिकाडो प्लाजा पहुंचो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। ओके प्लीज कम। वो रहा जाहिद। जाहिद
कोमा में है। कोमा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दो नंबर के धंधे में काम करने वाले आदमियों के साथ ऐसे होते ही रहता है। जाहिद प्रोफेशनल नहीं है। यस आई नो, जुए में हारने के वजह से फंस गया है। जाहिद ने आपके बारे में कभी कुछ बताया नहीं? उसके साथ मेरी पहली मीटिंग तब हुई जब उसे गोली लग चुकी थी। बेहोश होने के पहले मुझे उसने तुम्हारा नंबर दिया। तुम उसके बचपन के दोस्त हो, ऐसा कहा उसने? उसे कुछ और लोग भी ढूंढ रहे हैं। जब तक उसके पास ये है, सिंडिकेट का हर शख्स उसे ढूंढता रहेगा। सिंडिकेट? यस, इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट, जिसका एक सदस्य मैं भी हूं। आप? हाँ, मैं जॉन डिसोजा। लास्ट 20 साल से उस सिंडिकेट का मैं वफादार हूं, लेकिन अब उस सिंडिकेट को बर्बाद करना ही मेरे लाइफ का मिशन है। माइकल, माय ओनली सन, ही डाइड लास्ट मंथ। यू नो द रीजन बिहाइंड इट? उसके मौत की वजह जानते हो? ड्रग्स। यस माइकल, टॉल, डार्क, हैंडसम, मैं उसे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहता था, तो आपके हॉस्टल में रखा था उसे, लेकिन दूसरों को मौत की नशा बेच के जो पैसा मैं कमाता था, मेरे बेटे ने उसी पैसे से खुद की मौत खरीद ली। गॉड, गॉड ने थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर, इतना जोरदार थप्पड़ के मेरे जमीर को झिंझड़ कर उसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैंने किए हुए बुरे कामों की वजह से कितने माता पिता ने अपने जवान बेटों को खो दिया होगा, जैसे मैंने अपने माइकल को खो दिया। आई हैव लॉस्ट माई सन, आई हैव लॉस्ट हिम। रोया, मैं बहुत रोया। बाद में चर्च में जाके कन्फेस किया, गॉड को प्रॉमिस किया कि मैं इस सिंडिकेट को खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश इट ऑफ। बस अब मेरे जिंदगी का ये एक ही मकसद है और प्रायश्चित तभी। लेकिन अगर मेरे मिशन का पता सिंडिकेट को चल गया तो मुझे शूट कर देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे जरिए हमारे सिंडिकेट के हर एक इंपॉर्टेंट आदमी का नाम, पता, उनकी स्टाइल ऑफ ऑपरेशंस पूरे प्रूफ के साथ इंटरपोल को देना चाहता हूं। तुम फिल्म लाइन के साथ कनेक्टेड हो, तुम्हारे ऊपर किसी को डाउट नहीं आएगा। विल यू हेल्प मी यंग मैन, प्लीज? यंग जनरेशन को मौत से बचाने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा अंकल। थैंक यू वेरी मच यंग मैन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या बोल रहे हो, बंटी और बॉबी? हाँ। रॉकी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जाहिद तो मजबूर था, हाँ। इसलिए वो ड्रग्स लाया, हाँ। तो बंटी और बॉबी जाहिद को क्यों खोज रहे हैं? इन लोगों का जरूर उस आदमी से कनेक्शन है, हाँ। जिसका माल जाहिद लाया था। इसका मतलब मेरी एल्बम का हीरो विलन का साथी। देखो, ये बात यूनिट के किसी भी आदमी को पता नहीं चलनी चाहिए, हाँ। और खास तौर पर बरखा रानी और टीकू से। मैंने जॉन अंकल से प्रॉमिस किया है कि उनकी हेल्प करूंगा। हेल्प करो, जरूर करो, नेक काम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाथ पैर बचा के। और मैं तो कहता हूँ, बजाय इन दोनों से भिड़ने के, इन दोनों पे नजर रखो कि इन दोनों का कनेक्शन किस आदमी से है। यू आर राइट। कौन जी? कमाल है यार। एकदम कमाल है। क्या कमाल है? यही जो आप कहने वाले हो। आप पहले समझ गए? हाँ, मुझे आईडिया ना सब। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए कितना कमाल है कि बरखा रानी का मैं भी दीवाना और आप भी दीवाने। यस, करेक्ट। इसलिए हम दोनों में से किसी एक को बरखा रानी का भाई बनना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई बनेगा कौन? अरे ये मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल है। कैसे?
आपको पता नहीं है कि मैं बरखा रानी को कितना चाहता हूँ। नहीं भाईजान, आपको मेरी चाहत का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना घुसा हुआ हूँ अंदर तक। अरे तो बाहर आइए ना। अगर आपको मेरी चाहत का अंदाजा होता तो अब तक आप बरखा रानी के भाई बन चुके होते। देखिए भाईजान, ज्यादा गुस्सा मत होइए, कंट्रोल में रहिए। ये अपने आप हो रहा है, बॉडीज हो रही है। नहीं नहीं, ये बॉडी बॉडी सब घुस जाए। वो आगे मालूम पड़ेगा ना। एक ही पड़ेगा बस। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, दोनों बरखा रानी के पास चलते हैं। उन्हीं पर फैसला छोड़ते हैं कि वो किसे बनाती हैं सैया और किसे बनाती हैं भैया। डायरेक्टर, प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा भैया, प्रोग्रेस। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, शूटिंग तो रोज चल रही है, शेड्यूल भी फाइनल हो गया है सर, लोकेशन भी पूरी तरह देख चुका, सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। मुझे अपना लोकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बरखा रानी जी की बात कर रहे हैं सर। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मैंने आपकी तारीफ में इतने पुल बांधे। पुल पे ट्रैफिक चलाओ, गाड़ियां दिखनी चाहिए। ट्रैफिक हो जाएगा तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है ना। सर आप चिंता मत कीजिए, इंडिया जाने पहले आपका काम हो जाएगा। मैं अरे अनाश, एक अनार तीन बीमार। आओ बैठो बैठो बैठो, अब मजा आएगा महफिल का। टीकू जी, हम लोग कुछ पूछने आए आपसे, और आप जो फैसला देंगे उसको मानेंगे हम लोग। अच्छा भैया, हम तो दिलों का फैसला करते हैं। टीकू जी, दिल का ही मैटर है। हुआ ये इत्तेफाक से हम दोनों एक ही लड़की को प्यार करते हैं। अरे सर छोड़िए ना प्यार प्यार की बातें, आप दारू पीजिए। खामोश, जेठे साहब अपनी जगह बैठो, आप बच्चे हो, आप अब बोलो आप। टीकू जी, ये जिस लड़की से प्यार करता है इसका कहना है कि उसको मुझसे ज्यादा प्यार करता है, और मेरा दावा है कि मैं उस लड़की को इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो फैसला कैसे होगा कि वो लड़की किसके साथ जानी चाहिए? पहले ये बताओ कि वो लड़की है कौन? ना, नाम कोई नहीं बताएगा। अरे सर, सच्चा इश्क तो इसी को कहते हैं कि महफिल में अपनी महबूबा का नाम ना उछाला जाए। अरे इसी को तो सच्चा इश्क कहते हैं, उसका उसका नाम बताने की क्या जरूरत है? आपने वो गाना नहीं सुना? वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। क्या बात है, क्या बात है सर, सर सर मैं वही बता रहा हूँ, अनिल कपूर ने पूरा गाना खत्म कर दिया, एक बार भी अपने मुंह से उस लड़की का नाम नहीं लिया। हाय डायरेक्टर, मेरा इश्क भी इसी लेवल का है। टीकू जी, अपना इश्क भी इसी लेवल का है। और टीकू जी, मेरा इश्क आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का है। ये मेरी फिल्म में मुझे नहीं चाहिए। टीकू जी, मेरा इश्क आपके लेवल से और नीचे लेवल का है। मेरी हर फिल्म में ये आदमी मुझे चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि वो लड़की है कौन? मैं बताता हूँ। सर मैं बताता हूँ, जिसे आप चाहते हैं वो लड़की कौन है, जिसे आप दोनों चाहते हैं वो लड़की कौन है, मुझसे भला बेहतर कौन जानता है? डायरेक्टर, इधर बैठ, मेरे बाजू में बैठा। लेकिन वो जो भी है वो आप तीनों के बीच में एक ही है। मतलब टीकू जी भी तो मैं बताऊँ, ईश्वर एक है, एक है, और सूरज भी एक है, एक है, और चांद भी एक है, एक है, लेकिन उसकी महिमा देखिए, सितारे अनेक हैं। तो आप तीनों सितारों की तरह हैं, और आप जिसे प्यार करते हैं उसे प्यार से आप चांद कहकर बुलाते हैं कि नहीं? हाय, तो आप तीनों के बीच में एक चांद हुआ कि नहीं? अरे पोकट में इतना काई को हंसता है? नहीं, ये टीकू जी कमाल करते हैं। क्यों, पहले सर्कस में था? नहीं नहीं, कमाल का मतलब, कल लिमोजिन बुक करा के रखी है और कह रहे थे बरखा रानी को पूरा टोक्यो घुमाऊंगा। ए तू अपने सर जी को बोलना, ये जो बरखा रानी है ना, अखा वर्ल्ड घूम के बैठी है। तू जा, जा उनके साथ घूम के आ। मैं सीडी हूँ बरखा जी, बरखा रानी तो आप हैं, समझिए बात को। सब समझती है अपुन, सब समझती है। जब 12 साल की थी ना, तब से ये लोचे समझती नहीं, है। नहीं, लोचा नहीं, सम्मान दे रहे हैं आपको। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, सामान देख के सम्मान देते हैं। अरे आपसे तो बात करना, हाथी चड्डी पहनाना एक बराबर है। बोले तो अंडरवियर क्या? बरखा जी, जब तक मेरी ये फिल्म कम्प्लीट नहीं हो जाती, प्लीज आप टीकू जी के साथ तालमेल रखिए।
ये तालमेल रखना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लिए वो तोता है और हम मैना। ए तू मेरे को सप्लाई कर रहा क्या? शी, शी, आपने एक ग्रेट फिल्म मेकर के सपने को चकना चूर कर दिया बरखा जी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार शंकर जी। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सी फ्लाइट जा रही है जी? मैं रिसीव कर लूंगा।